गौर जरा आए प्रोस्टिट्यूट आई नाउ टेक लीव जी विद जी आप जरा गौर कर देंगे गौर साहब फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपसे मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि आपने अपनी पार्टी के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा किए आपका जवाब था पॉजिटिव में कि यस नॉमिनेशन पेपर के साथ और आप मैंने पूछा कि बाकी तमाम कैंडिडेट आपके जी सब ने किया लेकिन अभी इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट दिए हमारे आपके नॉमिनेशन पेपर उसमें आपका डिक्लेरेशन का खाना निल है जिसमें कुछ नहीं लिखा और साथ सर्टिफिकेट नहीं है आपको वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या इनका ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है नहीं सारी स्टेट हमारी टिकट सारी इन्होंने नहीं लगाए योर ऑनर बेसिकली ये पहले तो ये बताएं कि आपने हाँ कहा था या नहीं उस दिन हमने आपसे पूछा अब दिन कब पूछा पहले डेट ऑफ हेयरिंग पे आपने कहा था कि यस कि मैंने योराना हमने हमारे हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे 800 योराना 859 आपका स्पेसिफिक मैंने पूछा कि मिस्टर गौरी कंटेस्टेड इलेक्शन आपने कहा यस निकाल लेते हैं वो वीडियो तो मौजूद है आपने कहा यस मैंने पूछा कि आपने सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दिए पार्टी के आपका जी यस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि बाकी तमाम कैंडिडेट्स ने क्या आपने पॉजिटिव में जवाब दिया लेकिन आज जो इन्होंने कागज दिए हैं इसमें तो आपका इन्होंने आपको हाफ ली दिया है नहीं डिक्लेरेशन दो जैसा सर हर कैंडिडेट चार नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं मैंने भी दो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे इनके फॉर्म 31 देखे फॉर्म 31 जब नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आए उन सब के साथ इन्होंने लिखा दो दो फॉर्म जमा होते हैं इंडिपेंडेंट का भी आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपके फॉर्म में निल जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसमें निल लिखा हुआ है ना दो फॉर्म थे दो फॉर्म एक इंडिपेंडेंट एक वो जो पीटीआई के हैं वो इन्होंने आपको दिए नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं दो फॉर्म हमने जमा किए थे हर कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंट के भी जमा किए थे पीटीआई के भी जमा किए थे आप फॉर्म 31 से मंगवा ले उस फॉर्म 31 में मेरा भी लिखा हुआ कि मैंने दो फॉर्म जमा किए ये आपके पास एक फॉर्म लेके आया दूसरी बात ये आपने इंडिपेंडेंट क्यों जमा किए नहीं मैं आपने फॉर्म 31 जरा फॉर्म 31 इनके पास होगा जी बिल्कुल इसमें पढ़ा किताब आपने इंडिपेंडेंट क्यों जमा किए मैं किताब में दिखाता हूं यूरान जी टू जी योराना हमने जमा किए इन्होंने आपको दिए नहीं दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि दो फाइल कर सकते हैं तीन उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए फॉर्म 31 देखिए योराना देयर इज नो सच वो मुझे टाइम दे दे मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इनके पास पढ़ दे ये देखिए तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया यस और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किए पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना योराना टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले जो टिकट होता है एक मिनट योराना ये जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मीन्स टिकट और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है 13 तारीख को सारी पार्टीज ऐसा करती है ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है तो इसका मतलब तीसरा नहीं दो लिखे थे ना दो एक हमने हाउ डज इट वर्क आउट मतलब यू आर सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन वन नॉमिनेशन पेपर तो दो का कैसे आगे कैसे चलता है नहीं दो एक एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है वो कहां लिखा है वो सेक्शन 60 देख नहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा यस योर ऑनर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर नहीं वजह क्या है उसकी कि 4 जमा करते हैं योर ऑनर दिस सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है एक ना आए तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा तीसरा वैलिड हो जाएगा आप 4 सेम प्राइस उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से नहीं 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता योर ऑनर मैं अर्ज करता हूँ एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट सलमान राजा फाइल करेगा पीटीआई भी लिख लेगा इंडिपेंडेंट लिखेगा मुझे टिकट मिल जाएगा तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से जीते से सादे हुआ कवरिंग कैंडिडेट तो पार्टी का ही होता है इंडिपेंडेंट तो नहीं होता नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होता कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा 4 ने किया अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का किसी मैं एक्सेप्ट हो रहा आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ इसमें लिखा हुआ ठीक है बात जो कर रहे हैं योराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे इस तरह करें रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएंगे एक्सप्लेन कर देंगे बीच में आ गई ये बात ऑन द डे इसलिए हमने दो दो दिए ये बात में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चले अगर पीटीआई किया तो पीटीआई लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉजी थ्रू इट ऐसा होता आप सिर्फ इसमें देख ले जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा इन्होंने ज्यादातर कंसील किया आपको दिए नहीं फॉर इंस्टेंस योर ऑनर फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें अभी अगला कौन है रहे कौन गया आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय मिस्टर मखदूम अली खान एंड अच्छा
ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है. हुज नेक्स्ट? लॉर्डशिप ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 मिस्टर फारूक एच नाइक, लॉर्डशिप हैज टू आर्ग्यू बट अनफॉर्चुनेटली इज इनडिस्पोज्ड, ही कुड नॉट इवन फ्लाई फ्रॉम कराची. रिस्पोंडेंट नंबर 3. अगर अगर आज केस खत्म नहीं होता तो फिर उनको सुन लेंगे. और अगर सुन तो लीजिए ना, बीच में ना इंटरप्ट क्या करें, ये आजकल बड़ी खराब आदत हो गई है सबकी. और अगर आज कंक्लूड हो गया फिर सॉरी बैड लक, अगर आपका पार है आप कर सकते हैं. जी लॉर्डशिप, अडॉप्शन की बात आपके आप बस बात खत्म हो गई, समझ लिया या मजीद उसकी भी अब तफसील बताना है आपको? जी कमरान सर, ऑन बिहाफ ऑफ JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं द आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? मेक अ स्टेटमेंट. हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए. आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोलने कुछ आपकी वो कुछ टीवी पे कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है तो उसमें क्या इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट. सर इलेक्शन कमीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन नहीं, एक क्लैरिफिकेशन ये कर दें. वो कहा गया है कि आपके आपके मंशूर में भी नॉन मुस्लिम्स को आप नहीं लेते हैं. ऐसा नहीं है, वो मिसप्रिंट था. वो हमने कल क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, वो जब हमने चेक किया तो वो मिसप्रिंट था. अच्छा, मिसप्रिंट था तो वो उसमें हमारा आपके मंशूर में ऐसी बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. और उसके लिए एक अलहदा सेक्शन है, वो फिर कल प्रेस रिलीज भी जारी. सॉरी, आप कह रहे हैं कि है लेकिन मिसप्रिंट. सर दो बातें, एक जगह अगर है ही नहीं तो मिसप्रिंट का सवाल नहीं, एक जगह पे मिसप्रिंट था जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हुई, अदरवाइज हमारा एक इंडिपेंडेंट विंग है. मिसप्रिंट कैसे था, रॉन्गली प्रिंटेड था? सेक्शन 3 में जो है वो मिसप्रिंट हुआ था कि नहीं लेंगे आप नॉन मुस्लिम. नहीं, हमने यूज किया था कि सिर्फ मुस्लिम की बात की थी, मगर उसके साथ सेक्शन अलग से एक सेक्शन है, उसमें अलग से अपना नॉन मुस्लिम के लिए हमने एक फोरम. आप ऐसा करें, वो मंशूर हमें दे दीजिए, सही वाला जो आपका मंशूर है मैं उसमें वो करवा. अच्छा, आप अडॉप्ट कर रहे हैं? हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को. और मखदूम साहब के? सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे. अच्छा, हम सिर्फ. आप किसके लिए? रिस्पॉन्ड नंबर 5 सर, ट्रिपल 3 में सर. रिस्पॉन्ड नंबर 5 जी सर, अडॉप्ट करेंगे मखदूम साहब के जो आर्गुमेंट्स है सर. एंड इलेक्शन कमीशन या? जी सर. ओके, इतना ना. माय लॉर्ड, आई रिप्रेजेंट पीएमएल इन लॉर्डशिप. आई हैव प्रिपेयर्ड रिटन फॉर्मुलेशंस जस्ट टू सेव टाइम ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट विद ऑल द रिलेवेंट केस लॉ, एंड माय रिटन फॉर्मुलेशंस आर ऑन द सेम लाइन एज मिस्टर मखदूम अली खान्स आर्गुमेंट्स. हैव यू फाइल्ड देम ऑलरेडी? आई जस्ट हैव देम सर. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना. यू हैव इनफ कॉपीज? माय लॉर्ड. ठीक है, दे दीजिए. सबमिट रिटन. जी, और कोई रह गया? और शिप अडॉप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 3 जो मखदूम अली खान एंड द काउंसिल फॉर रिसीप. अडॉप्ट रिस्पॉन्ड नंबर 3 कौन है? लॉर्डशिप ऑन रिस्पॉन्ड नंबर 3 पार्टी पीपीपी लॉर्डशिप. आप ये अडॉप्ट कर रहे हैं? जी लॉर्डशिप. बीमार जी, रिस्पॉन्ड नंबर 20 एंड इंडिविजुअल एक पार्टी है JUF की तरफ से. हाँ? ये JUF के कैंडिडेट एंड अडॉप्ट आर्गुमेंट्स ऑफ मिस्टर कामरान मुंशी.